नमस्कार किसान भाइयों, नया पावर टिलर खरीदने के बाद कौन कौन सी चीजों का हम ध्यान रखें, कौन सी बातें हैं उनका ध्यान रखें ताकि हमारा पावर टिलर बहुत दिनों तक चल सके, यानी लॉन्ग लाइफ हो सके। लेना आसान है, उसको चलाना मेंटेन करना आसान नहीं है। कैसे मेंटेन किया जाए, हमारे साथ AWE के ओनर हैं जी। नमस्कार भाई साहब। सर एक बार ये बता दो कि नया पावर टिलर तो किसान ले लेता है, परंतु उसका रखरखाव कैसे करे, कौन सी चीजें हैं, कौन सी परेशानी है, वो किसान थोड़ी गलती करने के बाद में वो परेशानी आ जाती है। देखो भाई साहब, सबसे पहले तो आपने बढ़िया क्वेश्चन करा है। किसान भाई पावर टीलर तो ले लेते हैं, लेकिन उनको ये बताने वाले बहुत कम लोग होते हैं कि इसको कैसे कैसे मेंटेन करना है। किसान भाइयों ने कहीं से भी पावर टीलर लिया हो, लेकिन उसकी जानकारी आपके साथ साझा करूंगा मैं। इसके साथ जो सबसे पहले आपको जो करना है वो इसका इंजन ऑयल का ख्याल करना है। सबसे पहले तो अपन इसमें इंजन ऑयल डालना है। इसमें इंजन ऑयल जो हमारा ये अभी जो पीस देख रहे हैं 7.5 HP का है, इसके अंदर इंजन ऑयल 600 ml डलता है। ये जो आपको प्लास्टिक का जो इसके अंदर आपको ढक्कन नजर आ रहा है, यहाँ से जब खोलेंगे तो आखिरी चूड़ी तक तेल आना चाहिए इसके अंदर। और इसके अंदर जो 20W40 का इंजन ऑयल इस्तेमाल करता है, जो अक्सर अपनी 4-stroke मोटरसाइकिल में यूज होता है। गियर ऑयल के बारे में, गियर ऑयल जो रहेगा इसके अंदर 90 नंबर डलेगा। इसके अंदर 1.5 लीटर हमारा गियर ऑयल डलेगा। अभी जो इसमें डाल रखा है हमने 1.5 लीटर इसमें गियर ऑयल डलेगा। मुख्य समस्या कौन सी है? मुख्य समस्या इसके अंदर जो रहती है वो एयर फिल्टर की साफ करने की रहती है। कई किसान भाई हमारे पास सवाल लेके आते हैं कि सर हमने ऑनलाइन मंगवाया था और हमारा पीस खराब हो गया। तो देखो ऐसा है भाई साहब, मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, सभी बंदे अपने हिसाब से बढ़िया ही चीज बेचते हैं, लेकिन ड्राई एयर क्लीनर की वजह से कई बार क्या होता है, कई ऐसे बंदे भी हैं जो आज नए नए डीलर बने हैं, उनको आइडिया नहीं होता, तो कई बार ड्राई एयर क्लीनर दे देते हैं इसके अंदर। ड्राई एयर क्लीनर इसमें बिल्कुल भी कामयाब नहीं है, क्योंकि ये डस्ट में चलता है और इसके अंदर मिट्टी चली जाती है। तो इसके अंदर हमने ऑयल बाथ एयर फिल्टर दिया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें ऑयल बाथ दिया है। ऑयल बाथ का मतलब क्या रहेगा, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं ट्रैक्टर में जैसे ऑयल डलता है अपने एयर फिल्टर के अंदर, वैसे ही इसमें ऑयल डला हुआ है। दूसरा, इसमें यहाँ पे आप देख रहे हैं ये स्पंज टाइप से जो चीज़ दिख रही है, फोम टाइप से, ये मिट्टी को सारी चीज मिट्टी को ऑब्जर्व कर लेता है, मतलब अपने अंदर समा लेता है। जब ये समा लेता है और एंड आ जाता है, उसके बाद में मिट्टी यहाँ जानी स्टार्ट हो जाती है। इसको उस टाइम आपको साफ कर लेना चाहिए। कई किसान भाई सोचते हैं कि इसको सर्विस टाइम पे ही ठीक साफ करना चाहिए, ऐसा नहीं है। आप इसको 1 घंटे में भी साफ करना बनता है। कई बार जब हम डस्ट में चलाते हैं इसको और सूखी मिट्टी रहती है उसके अंदर, ये बहुत जल्दी जल्दी इसके अंदर मिट्टी चली जाती है, तो उस टाइम इसको हर घंटे पे भी आप देखना ना भूलें बिल्कुल भी। भैया कि ये रबर मिला है, ये रबड़ जो होता है किसान भाई, ये इस रबड़ को बिल्कुल हल्के में ले जाते हैं। कई बार क्या होता है, किसान भाई खेत में सर्विस कर रहे होते हैं और ये रबड़ गिर जाता है। ये रबड़ अगर गिर गया तो समझ लो यहीं से उल्टी गिनती स्टार्ट होगी भाई साहब अपने इंजन की। हाँ, इंजन की, यहाँ से मिट्टी ये उठाई उठा लेगा, चाहे आपका एयर फिल्टर साफ ही क्यों ना हो। तो इस रबड़ का बिल्कुल ख्याल रखना है। उसके बाद में ऐसा ही एक रबड़ यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है, ये जो रबड़ है आपको इसका भी ख्याल रखना है। ये इसके ऊपर बिल्कुल फिक्स होना चाहिए, अदरवाइज यहाँ से भी मिट्टी उठा लेगा। अच्छा जी। हाँ, अब इसको टाइट करके, और अब ये तो हो गई बात इसकी, अब इसकी सर्विस कैसे करें, कब करें, कितने दिन में करें? पहली सर्विस जब, जैसे ही आपने आज नया पावर टीलर लिया तो इसकी पहली सर्विस 10 घंटे के बाद में करें आप, और दूसरी, सर्विस इसकी 25 घंटे के बाद में करें, और उसके बाद में 40 से 45 घंटे के बीच में आप इसकी सर्विस बिल्कुल आराम से कर सकते हैं और कंटिन्यू करते रहें आपको, जब तक आप पावर टीलर रखें। कुछ किसान भाई हमारे को ऐसा भी देख रहे हैं, हमने बहुत लोगों को ऐसे देखा है, क्योंकि देखो ऑफिस तो हम बना लेते हैं बहुत सुंदर सा, ठीक है, उसमें डिस्प्ले बड़ा अच्छा अच्छा कर देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब किसान भाई हमारे पास लेके आता है भाई मेरा पीस खराब हो गया, और हम हाथ ही ला देते हैं भाई साहब ये हमारे से ठीक नहीं होगा, ये स्पेयर पार्ट हमारे पास नहीं है। ये किसान को बहुत चुभता है, किसान पैसे देने से मना नहीं करता। बड़ी बड़ी गारंटियाँ जो लोग देते हैं ऑनलाइन, ऐसा कुछ भी नहीं होता मेरे भाई, वो गारंटी के बाद में भी जब जिनका पीस अगर किसी भाई का खराब पड़ा है और उनको कोई समस्या आ रही है, आप मेरे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जो हमारे से हेल्प हो सकती है, किसी भी कंपनी का लिया हो हमारे पास टोटल स्पेयर पार्ट रहता है और आपको हम सुविधा देंगे रिपेयर करने की, तो बाइक वाला कोई भी बंदा उसको रिपेयर कर देगा, अदरवाइज वीडियो के थ्रू भी हम रिपेयर करेंगे। किसान भाइयों, ये है समझदारी की बात, हो सकता है हम ये 60,000 रुपये लगाएं, 50,000 रुपये लगाएं, 1,00,000 रुपये लगाएं, और वो लगाने के बाद अगर छोटा नट या कोई पार्ट हमारा खराब हो जाता है तो वो अगर हमारा नहीं मिला तो हमारा 1,00,000 रुपये बर्बाद हो गया। परंतु आप AWE के साथ जुड़ सकते हैं, पावर टीलर खरीद लिए और आपको मेंटेनेंस मिलेगा, जितना तो मेंटेनेंस का जो स्पेयर पार्ट होते हैं वो सब के सब उपलब्ध हो जाएंगे। तो अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और मुझे फॉलो कर लें। थैंक यू।